देपालपुर के पिंजारवाड़ी में रहने वाला एक परिवार बेटमा में कार्यक्रम से बाइक पर घर लौट रहा था। बेटमा रोड पर बड़ौदा फाटे के पास बीच रोड पर खड़े ट्रैक्टर ट्राली में घुसने से पति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी यास्मीन भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे देपालपुर से ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह भी जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना बड़ौदा पंथ फाटे और जलोदिया पंथ कटिंग के बीच की है, जहां ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर ट्राली सहित बीच रोड पर खड़ी कर शराब लेने गया था और उसने किसी प्रकार का कोई सिग्नल या संकेत नहीं लगाया था। रात होने की वजह से अंधेरा भी अधिक था, जिससे यह हादसा हुआ है। वहीं कई लोग दबी जबान में बोल रहे हैं कि पुलिस के पहुँचते ही ट्रैक्टर कैसे गायब हो गया। वहीं ट्रैक्टर ट्राली पर मोबाइल नंबर लिखें, अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या ट्रैक्टर चालक को पकड़ पाएगी। बेटमा से सूर्यवंशी की रिपोर्ट। बाबा बर्फानी के नाम से विश्व